हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज जो है कहते हैं एक बहुत बड़ा लोड मेरे सर पे से उतर गया है। आज 12 बजे जो है तकरीबन पूरे 2 महीने हो गए तैयार हादसे को, और जो मैंने एक प्रॉमिस किया हुआ था अपने फौजिया को, अपने इस्माइल को, अपने आइलीन को, अपने नाया को, वो पूरा हो गया। ठीक है ना, आज सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, कहते हैं इस हियरिंग आज हुई थी, और CA को कह दिया हुआ है कि उनका जो हेड है ही इज़ नॉट फिट फॉर दिस पोजीशन। उनको कह दिया गया है कि परफॉर्मेंस बेस्ड एक रिपोर्ट जो है आप जो है 2 हफ्ते बाद देना है कि किन किन लोगों को निकाला है, और सही आड़े हाथों लिए CA को, मतलब कि बहुत ही सख्त लैंग्वेज। हत्ता कि ये कहा गया है कि जो लोग जाली लाइसेंसेस स्टैम्प करके आगे दिए थे उनके ऊपर फौजदारी के जो है केसेस होंगे, मतलब दिस इज़ समथिंग बिग। ठीक है ना, अब पाकिस्तान, आपको मैं वही बताना चाह रहा था कि अब देखें ये चीज़, अब ये 2 महीने के अंदर इतना सारी चीज़ें होगी। ठीक है, जिस टाइम से क्रैश से लेके अब तक, ठीक है, जो जो चीज़ें हुई हैं वो इसलिए हुई हैं कि लोग आवाज़ उठा रहे थे। ठीक है ना, आप लोग आवाज़ उठा रहे थे, मेरे साथ जो बाकी फैमिली मेम्बर्स थे वो आवाज़ उठा रहे थे, और इस टाइम पर आपको पता है कि एक वो एक उनको सुकून आ गया। ठीक है ना, जो हमारे शहीद हैं उनकी आवाज़ सुनी गई है, किस हवाले से, क्योंकि आप लोगों के जो एयर स्पेस है, जो एविएशन है, अब ये सेफ़ होने लगेगा। ठीक है, वरना ये चीज़ें हमेशा चलते रहती हैं, वही 2 नंबर पायलट्स, वही क्रैशेस, कभी कोई कोई पूछना नहीं था। ठीक है, आवाज़ उठाएं तो ये सारी चीज़ें निकली हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आवाज़ लाजमी उठाया करें। अब बाज़ लोग इस जर्नी के अंदर काफ़ी सारे मिले हैं जो कि कह रहे थे यार ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इसी तरह चीज़ होती है, तो उनको मैं वही कहता था यार सिर्फ आवाज़ उठाओ, बाकी होता है नहीं होता है वो बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन आवाज़ तो उठाओ, आवाज़ नहीं उठाते तो इस तरह आपका जुल्म जो है आपका बढ़ते जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आवाज़ हमारी सिर्फ मेरी नहीं, लाखों पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान में हैं, जो इंटरनेशनल हैं, ठीक है, सबकी जो है ये ख्वाहिश थी कि यार CA को सीधा किया जाए, क्योंकि फैमिलीज इसमें ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इट वाज नॉट सेफ़। अभी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आया तो खुद परेशान थे कि यार ये कर रहे क्या, मजाक बनाए हुए कहते हैं सिविल एविएशन को, तो ये बहुत अच्छे सिंह में चीज़ें वगैरह अब जो है चलने लगी हैं। ठीक है, हम इसी के बाद पैल्पा को भी शटअप कॉल दे दिए हैं। ठीक है ना, ये 2 इदारे हैं जो ये ख़राब करके रखे हुए थे। ठीक है ना, अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो सही होनी है। ठीक है ना, वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं एयरपोर्ट्स वगैरह के पास। ठीक है ना, उसके अनऑथराइज्ड उसके हाइट्स हैं। ठीक है, जिसके ऊपर काम वगैरह करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट काम तो स्टार्ट हो गया, और ये बहुत मेजर चीज़ें हुई हैं। ठीक है, अभी इमरान खान और जो गुलाम सरवर साहब जो किए हैं, ये बहुत एक डेंजरस मूव था पॉलिटिकली, लेकिन ये किए हैं, और मैं इट्स लाइक यू नो आई रिस्पेक्ट दम। लोग कहते हैं अहमकाना वो मूव थी, और अपोजिशन कह रही है कि यार ये पाकिस्तान की बिस्ती वगैरह हुई है। मैं कह रहा हूँ यार बिस्ती हो जाए, हमारे जानों के साथ ना खेला जाए। ये चीज़ अगर नहीं इमरान खान साहब करते या आपके चीफ जस्टिस साहब नहीं करते, तो ये चीज़ चल से चल ऐसी चलते रहती, लोग ऐसे ही कहते हैं आपके फ्लाई करते रहते, और बिल्कुल सेफ़ नहीं होता। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ी एक चीज़ हुई है। ठीक है ना, इसलिए हर पाकिस्तानी को कहता हूँ कि बोलो, आप बोलेंगे तो चीज़ होगी। और आज मैं इसलिए खुश हूँ इतना कि मुझे अभी सैड होना चाहिए था। ठीक है ना, 2 महीने हो गए हैं, मैं नहीं देखा अपने बच्चों को, अपने बीवी को, लेकिन यह है कि वो जो एक प्रॉमिस था उनके लिए, कह रहा मैं कुछ करूँगा इस मुल्क के लिए, वो ये नज़र आ रहे होते हुए। ठीक है, तो आप लोग हमेशा इसलिए कहता हूँ कि कीप पॉजिटिव। ठीक है ना, सिर्फ मेरी आज की ये मैसेज है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जस्ट कीप पॉजिटिव, बोलते रहा करें। ठीक है ना, स्पीक अप, एटलीस्ट बोलें, चुप रहना भी एक जुर्म होता है। ठीक है, मेरा सिर्फ ये एक मैसेज था, और अगेन देखें 2 महीने के अंदर कहाँ तक आ गए हम लोग। ठीक है ना, तो पाकिस्तान वी विल हैव सेफर स्काइज टू फ्लाई इन। ठीक है ना, हम लोग आराम से क्या कहते हैं फ्लाई कर सकेंगे विदाउट एनी क्या कहते हैं डेंजर टू आवर फैमिलीज़ और एनीबडी एल्स। प्रोफेशनल लोग होंगे, प्रोफेशनल सिस्टम्स होंगे, प्रोफेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाली चीज़ें होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें भी होनी है। ठीक है ना, टोटल रिवैम्प होना है इसका। ठीक है ना, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। ठीक है ना, तो अगेन दिस इज़ अ रे ऑफ होप, ये एक चीज़ हम ठीक किए हैं। ठीक है ना, आगे भी और सारी चीज़ें हो सकती हैं जो ठीक होने वाली हैं, वो सिर्फ जब ही होंगी जब हम लोग सारे आवाज़ उठाएंगे। तो बाकी अगेन जितने भी फैमिलीज़ हैं 8303 के, वी डिड इट गाइस, वी डिड इट। ठीक है, हम लोग पायलट्स के इशू में नहीं घुसे, ATC के इशू में नहीं घुसे, हम लोग एविएशन इंडस्ट्री की बात कर रहे थे टू मेक आर फ्लाइज स्काइज सेफर, और वो चीज़ अब हो रही है। ठीक है ना, तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। ठीक है ना, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पाकिस्तानीज अब्रॉड हु सपोर्टेड द कॉज। ठीक है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट PIA वगैरह, ये राइट नाउ आई एम टू हैप्पी। ठीक है ना, वो अगला मरहला है। ठीक है ना, अभी सिर्फ ये है कि हमारा सिविल एविएशन और पैल्पा
को जो है वार्निंग दी गई है और अब इनको सिस्टम सही करना पड़ेगा। और जो इंटरनल न्यूज़ आ रही है कि वो बाहर के जो आपके इदारे हैं उनसे बातचीत वगैरह चल रही है कि उनके कंसल्टेशन के लिहाज से ये उनकी गाइडेंस के अंडर जितने भी हमारे एविएशन के जितने भी फंक्शंस हैं वो सीधे किए जाएँ, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान, वी हैव जस्ट मेड आर स्काईज अ लिटिल मोर सेफर। थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4-6 महीने 8 महीने जितना भी लग जाए, लेकिन एटलीस्ट प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।